गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। नाम है जुनैद, मैं हूं असद। आप लोग कैसे हैं? कमेंट कैसे आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे आप लोग। आज हम रिएक्शन कर रहे हैं इंडियन सेलिब्रिटी हु हैव क्रश ऑन बीटीएस मेंबर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखते हैं इंडियन सेलिब्रिटी कौन है जिनको क्रश है बीटीएस। आपको क्या लगता है कौन कौन हो सकता है, ऐसे गेस करके बताओ। हो सकता है बॉलीवुड से कोई हो या कोई अदर सेलिब्रिटी। लेट्स सी, इंडियन सेलिब्रिटी तो बॉलीवुड से ही होंगे ना, या फिर ड्रामा इंडस्ट्री से। चलिए वीडियो देखते हैं, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो देखते हैं, हियर वी गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी क्यूट और पिछले वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी ने टाइटल में देख लिया होगा कि मैं आज आपको उन इंडियन सेलिब्रिटीज के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने बताया कि बीटीएस में उनके बयास कौन है। ओके, अरमान मलिक कौन होगा? अरमान मलिक के बारे में पूरा इंडिया जानता है, और आप सभी जानते हो कि उन्होंने अपने केपॉप और बीटीएस के लिए अपने थॉट्स को खुल के पब्लिक के सामने रखा है। I love BTS, I love their music, and yeah, I'm down to collaborating with them. Every singer है। Whenever they are down to doing something with an Indian artist, I think it'll be really cool. आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि अरमान ने बीटीएस के डायनामाइट सॉन्ग के कवर का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। रोलिंग स्टोन के साथ एक इंटरव्यू में अरमान ने अपने फेवरेट बीटीएस मेंबर का नाम बताया कि उन्हें पर्सनालिटी वाइज जेहो पसंद है। ओ जेहो बोल लो, ओ जन्नत जुबैर, वाओ। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि जन्नत जुबैर ने खुल के तो नहीं बताया कि वो बीटीएस को पसंद करती हैं या नहीं, पर जन्नत ने उनके इंस्टाग्राम स्टोरी में बीटीएस के सॉन्ग लाइफ गोस ऑन को सुनते हुए नजर आई थी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मेरे पास इसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई स्क्रीनशॉट या फिर एविडेंस मिलता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उसको पोस्ट कर दूंगी। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, ये भी सच है कि अनुष्का भी बीटीएस को पसंद करती है। एक बार तो अनुष्का ने भी जंगकुक के सॉन्ग यूफोरिया को अपने स्टोरी में पोस्ट किया था। नहीं बल्कि एक बार जब अनुष्का को उनसे किसी फैन ने बीटीएस के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वो एक आर्मी तो नहीं लेकिन वो बीटीएस के गाने सुनती जरूर है। आर्मीज को रश्मिका के बारे में ज़रूर पता होगा। जिनको रश्मिका के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि रश्मिका साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं जो साउथ इंडियन मूवी गीता गोविंदम की वजह से फेमस हुई हैं। रश्मिका इंडियन आर्मीज में भी काफ़ी फेमस है, और इन्होंने बीटीएस के लिए अपना प्यार पब्लिक को खुल के दिखाया। Excuse me. What do you like about BTS? I think I like their duality, like how they like, kids off the stage and they go on the stage. Oh, Disha Patani. दिशा पटानी भी एक बीटीएस फैन है, और वो आए दिन बीटीएस के लिए अपना प्यार दिखाने में कभी पीछे नहीं रहती है। ओके, इनकी फैन का वो कौन है भाई? इस वीडियो को देख के आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि उनका फेवरेट मेंबर कौन है। जी हाँ, वो बीटीएस के एक्सप्रेशन किंग वी है। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वो भी फैन होना चाहिए था वरुण धवन। भैया बहुत ही मजा आया वीडियो का, और भी होंगे लेकिन अभी मतलब के इन्होंने पुरानी वीडियो बनाई होगी या फिर अभी अभी हो गए होंगे फैन। वो सीना को तो पता है, सीना जॉन सीना आर यू आर्मी, वो बेस्ट था। और मजा आया दिशा पटानी का, रश्मिका का मुझे पता था, रश्मिका पता था, अरमान का रश्मिका ने किसका बताया था, किसका बोला रश्मिका किसी ने का नहीं बोला, बस उसको पीडीएफ था पूरी टीम का। और अरमान मलिक का था, और कौन सा था, और बस अनुष्का सेन, हाँ अनुष्का सेन था, और जन्नत जुबैर का प्रॉपर नहीं पता, और अनुष्का सेन का भी नहीं पता, जंगकुक खान जंगकुक था। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इससे पता चला कि इंडियन सेलिब्रिटी
के BTS के फैन है, मजा आया वीडियो का। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो इस वीडियो की अगर ने लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और अपना 22 नीचे कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।